दोस्तों अभी जा रहे हम रुद्रपुर गांधी पार्क में, वहाँ रावण का दहन होगा, बहुत बड़ा रावण बना है वहाँ पे, हम आपको दिखाएंगे, तो आप यूँ ही चैनल पे बने रहे। वाले हैं गांधी पार्क में थोड़ी देर में, और ये है रुद्रपुर का मार्केट। हल्की हल्की बारिश भी होने लग गई, बूंदे। रुद्रपुर में ट्रैफिक का थोड़ा बहुत ही ज़्यादा क्रेज है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है यार, भाई साहब बहुत जाम है यार। वालों ने पकड़ लिया हमें, तो हम बाइक हम इधर लगाएंगे, क्योंकि उधर बाइक नहीं ले जाने दे रहे हैं। अब भाई साहब कितनी भीड़ हो रही है, मेरे को लग रहा है कि अंदर के लिए भी जगह नहीं होगी हमारे लिए जाने के लिए। देखते हैं अंदर के लिए जगह होती कि नहीं होती। और ये देख सकते हैं आप, गजब देख सकते हैं आप। बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है, आप देख सकते हैं भाई साहब, बहुत ही भीड़ देख रहा आप, कितनी भीड़ है भाई साहब, बहुत ही भीड़ है। बस आ तो गए, आपका स्वागत कर रहा है। आपसे कहा जा रहा है, हमारे महामंत्री खुद लगे हैं कमान में ये व्यवस्था बनाने के लिए। विजय अरोड़ा जी, मैं आपसे पवन करोगी स्वागत करता हूँ। सदस्य है जो आप मंच होंगे और बहुत ही गजब अपने व्यवस्था में देखो, कि अभी शिव जी ने कहा कि बूंदाबांदी शुरू हो रही है, तो हम चाह रहे हैं जल्दी जल्दी कार चल रहा है। आप देख सकते हैं लग गई है आग, वो देखो सामने मेघनाथ पे लग चुकी है आग। अब शुरू हो चुका है रावण का दहन। श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र भगवान माता की, देखो रावण आग फेंक रहा है आंखों से, आंखों से अंगारे रावण के, और इस तरह राम ये
गिर गए रावण। और भाई आपको कैसा लगा रावण? रावण जला कम है यार, है रावण से अच्छा वो जला। आप देख सकते हैं सबसे पहला वाला। तो दोस्तों कितनी भीड़ है, भक्ता तपड़ी मच गई है, देख सकते हो भाई साहब। ये देखो आप, आपके घर में रावण है, रावण के ऊपर की कर। ये देखो ये देखो ये देखो कितनी अफरा तपड़ी मच चुकी है। आपके घर में रावण है, रावण के पुतले की क्या जरूरत है? यहाँ पे बोल रहे हैं आपके घर में रावण है, वह रावण के पुतले की क्या जरूरत है। तो दोस्तों फाइनली रावण जल चुका है और असत्य पे सत्य की विजय हो चुकी है और हम भी घर जाने की तैयारी हो गई और बारिश भी आने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहना मामा बांझे ब्लॉग। जय श्री राम।